सोमारा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी ने शराबबंदी को लेकर दिया ज्ञापन। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम लोखंडिया में मोती माता मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। मेले की शुरुआत 21 जनवरी से हो रही है। इस मेले में देश के कई राज्य से लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस मेले में शराब की अवैध तरीके से बिक्री होती है। अवैध शराब बिकने पर शराबी हुड़दंग और माता बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर गुलाब सिंह ने बताया कि मोती माता के मेले में अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शराबबंदी को लेकर उस पर आपका क्या कहना है? अवैध शराब को लेकर शिकायत की गई है कि लोखंडिया मेले में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। अब इस पर अभी शिकायत सूचना भी प्राप्त हुई है और एक्साइज ऑफिसर से को निर्देशित करके इसकी जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी। जांच करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। कार्रवाई इस पर करेंगे।